व्हाट्स अप मेरी फैमिली, दिस इज रौनक मुन्नार, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जा रहे हैं अपने कार को इंश्योरेंस में देने। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि मैंने स्कूटी की वीडियो डाली, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कार में बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गए हैं और डेंट भी है हल्का फुल्का, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो ये बैक डोर पर डेंट है, ये वाला देखो आप लोग, ठीक है। और स्क्रैच भी है, माइनर स्क्रैच है, थोड़े बहुत स्क्रैच है। गाड़ी बहुत गंदी है इसलिए आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, बट हाँ आगे बोनेट भी यहाँ पर हल्का सा देखो आप, ये भी थोड़ा सा डेंट हो गया है। और पीछे में भी है, दिखाते हैं आपको, ये सब छोटे छोटे स्क्रैच है, ये सब छोटे छोटे आप लोग स्क्रैच देख लो। बाकी यहाँ पे भी है देखो, ठीक है। तो गाड़ी में वैसा कुछ टूटा फूटा नहीं है, बस खाली डेंट है बैक डोर पे, ये वाला, ठीक है। और एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ, देखो बैक डोर पे डेंट है। तो बस जा रहे हैं इंश्योरेंस में देने और 3-4 दिन में कार फिर मिल जाएगी, फिर आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे उन लोगों ने बना के दिया कैसे नहीं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने सुनारी वाले सर्विस सेंटर, वहाँ देते हैं अपनी गाड़ी को। भाई बैठे हुए हैं, भाई के साथ चलते हैं, अभी ड्राइव करने के लिए रेडी है। काफ़ी गर्मी है यार, दोपहर के बज रहे 2 और हम लोगों ने कॉल करा था सुबह सर्विस सेंटर पे, तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग सेकंड हाफ में आओ, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। चले गेट बंद करना पीछे का। बहुत गर्मी है यार, काला घोड़ा जा रहा है रिपेयर होने। काला घोड़ा बस 3-4 दिन में अपनी गाड़ी पूरी फुल्ली होके मिल जाएगी। ज़्यादा काम नहीं है, बस खाली जो बैक डोर मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पे डेंट है। एक बार आपको फिर सर्विस सेंटर में जाके जब गाड़ी लगाएंगे तब तो वहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँगा। और बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। एक सेकेंड सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। चलो गाइस बाकी बातें वहाँ जाके आप लोग से करते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने इस सुनारी वाले सर्विस सेंटर पर और ये episode 1 है। episode 2, 3 जितना भी बनेगा वीडियो लास्ट तक मैं आप लोग को A to Z पूरा दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, कैसे देना होता है इंश्योरेंस में, कैसे करना होता है सब कुछ। तो देखो ये हमारा सुनारी का सर्विस सेंटर आ चुके हैं हम। पीछे रवि भाई भी आए हैं। रवि भाई इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे ट्रिपलिंग, वैसे ट्रिपलिंग राइड तो नहीं लेनी चाहिए लेकिन कार को देख हमें जाना है वापस, तो जाएंगे अभी। वो हीरा फेरी वाला जो सीन है ना, ट्रिपल लोडिंग वाला, वैसे जाएंगे। नीचे भी लगा है इधर तो, लेकिन पता नहीं चल रहा है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया। तो भाई देखो यहाँ पे भी डेंट है और यहाँ पे भी है, बहुत माइनर है बट आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। और ये कुछ गिराया है कि कोई कूदा है, पता नहीं इसका क्या है, नया लगवाए थे 4 दिन बाद ही ऐसा हो गया।
हम लोग भी कितना दिन बाद ही नोटिस किए हैं इसको। बाकी तो ठीक है और कुछ नहीं। गाइज फॉर इंश्योरेंस आपको ऑनर का डॉक्यूमेंट देना होता है। डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, साथ ही साथ गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर एंड आरसी देना होता है, और ड्राइवर का लाइसेंस देना होता है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। गाइज जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे सामने एक फॉर्म है, इसको फिलअप करना है आपको। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है कि आपको सब कुछ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपका फ़ोटो प्रोसेस लिया जाएगा आपके कार का, कि आपके कार पे कहाँ पे स्क्रैच है, कहाँ पे डेंट है। एंड फ़ोटो प्रोसेस इसलिए लिया जाता है क्योंकि फॉर अप्रूवल उसको कंपनी में भेजा जाता है, और उसके बाद जब अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आपका काम चालू होता है। तो पहला दिन यही होता है कि जब आप जाओगे सर्विस सेंटर तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ये फिलअप करना है। उसके बाद आप आगे देखो, आपका फोटो प्रोसेस लिया जाएगा कि कहाँ पे आपका डेंट एंड स्क्रैच है। पीछे में भी स्क्रैच है ना, बोले हैं देखो क्या अप्रूवल मिलेगा, कितना होगा काम, अब वो तो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे मेन तो ये वाला और आगे वाला है। और कार भी गंदा है, कार गंदा बहुत है ना, पता ही नहीं चल रहा कहाँ लगा कार। देखिए ना अभी ये देखिए ना, ये भी पूरा ख़राब हो गया दादा, पता नहीं यहाँ क्या। फोटो प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद देखते क्या है क्या नहीं, अजीब सा हो गया है यहाँ, क्योंकि फॉर अप्रूवल फ़ोटो भेजना पड़ता है कंपनी में। लेकिन और फूल गया हो पूरा, ठीक है ना, बोलिए ना करवा देंगे। आगे कम से कम करवा दीजिए, दिक्कत नहीं तो आगे करवा दीजिए। तो मतलब जैसे बोनेट खराब होगा एक्सीडेंट होगा तभी का फिर करवा दीजिए। बोले फिर अगर नहीं होगा तो पीछे का बोलिए, और साफ करेगा तो पता चलेगा कि पूरा मारा गया नहीं है ना, नहीं सटाया हुआ है, मतलब सट के छोड़ दिया गाड़ी, मतलब जो उतना जोर नहीं टकराया था, हल्का सा लगा था। तो बोलिएगा ना कि मतलब ट्रैफिक में था, कितना जोर रहेगा पीछे, तो ये तो स्पीड से घुसा दिया गाड़ी ला के साइड से, मतलब निकालने के हाँ टूल स्पीड नहीं है, तो पता नहीं कहाँ है, हम तो आज तक चेक भी नहीं किए टूल्स कहाँ है। और ये वाला जो है हाँ वो साथ ही में होगा। अच्छा ये जो आपका अगर ये पता नहीं क्या हो गया था यहाँ, बहुत अजीब तरीके का हो गया। तो ये वाला जो स्क्रैच है इसके साथ ये भी रिपेयर हो जाएगा पूरा, आपको कैमरे में तो नहीं दिखेगा उतनी क्लियर से, बट रियल में तो यार है ख़राब। फोटो प्रोसेस हो चुका है, सो गाइस ऑल प्रोसेस इज डन, अभी चलते हैं घर और बीच में आके एक बार चेक करेंगे कि कैसा काम चल रहा है, उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा।